छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत। कानपुर बुधवार को समाजवादी पार्टी छात्र सभा से प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव, नवनियुक्त प्रदेश महासचिव सिराज हुसैन व छात्र सभा के कानपुर नगर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मोहित एवं काशिफ नकवी, नगर उपाध्यक्ष का कानपुर प्रवेश द्वार जाजमऊ चेक पोस्ट पर सपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उसके बाद पूरा काफिला गंगा पुल से होकर तय मार्गों से महाराजा पैलेस प्रेम नगर पहुंचा। मुख्य रूप से चंद्रेश सिंह, माना यादव, फकर इकबाल, राहुल यादव, सलमान समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, सहारा लेकर नहीं, अगर किसी मुख्यमंत्री ने और किसी दल ने नौजवानों के लिए काम किया है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे 500 मेडिकल सीटें बढ़ाना हो, चाहे आईटी सिटी बनाना हो, चाहे यूनिवर्सिटीज को उनमें फैसिलिटी देनी हो, या जिस तरह से 10-90 की योजनाएं हो, एक इकलौती ऐसी पार्टी और नेता है जो छात्रों के बारे में सोचता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने देखा लगातार जो भर्तियों के परीक्षे रद्द हो जा रही हैं, या उनमें घोटाला हो जा रहा है, या उनमें आरक्षण का लोगों का हक मार लिया जा रहा है, दलितों और पिछड़े नौजवानों का आरक्षण हक मारने का प्रयास किया जा रहा है, नौकरी देने के बजाय उन्हें दिहाड़ी मजदूर बनाया जा रहा है। तो छात्र सबसे ज्यादा अगर आहत है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आहत है। आपने देखा कि कोरोना महामारी में भी किस तरह से उनसे फीस वसूली जा रही है, किस तरह से नौजवानों को नौकरी के नाम पर फार्म भरा भरा कर पैसा ले लेकर उनकी नौकरी की परीक्षाएं रद्द हो जा रही है। तो ये सहारा लेकर नहीं, नौजवान ये चाहता है कि एक ऐसा विजनरी मुख्यमंत्री बने जिसकी योजनाओं में छात्र नौजवान शामिल हो। आज क्या कार्यक्रम है, देखिए आज तो एक छात्र और युवा समागम का कार्यक्रम है, दूसरा हमारे समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश महासचिव जो नवनियुक्त मनोनीत हुए हैं उनका कार्यक्रम है, और हमारे जो कानपुर के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह जी का उनका कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में और सम्मान समारोह में हम लोग आए हुए हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, नौजवानों में संदेश देना चाहते हैं कि एक इकलौती ऐसी पार्टी और इकलौता ऐसा नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी है जिन्होंने छात्रों के लिए काम किए, तो भविष्य में उनकी योजनाओं में छात्रों के लिए बहुत सारी काम और योजनाएं हैं। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुँचा सके हम सबसे पहले।